यानी एक तो ये है कि सलमान खुर्शीद साहब पॉलिटिशियन है कश्मीर के, और उनका इस तरह का स्टेटमेंट आना जिसके ऊपर काफी शोर शराबा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीरी आवाम क्या कहती है इस तरह की चीजों के बारे में? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उनके चैनल को विजिट करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम श्रीनगर याना मीर साहिबाने, याना थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। याना एक तो ये है कि सलमान खुर्शीद साहब पॉलिटिशियन है कश्मीर के, और उनका इस तरह का स्टेटमेंट आना जिसके ऊपर काफी शोर शराबा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीरी आवाम क्या कहती है इस तरह की चीजों के बारे में? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जो हिंदुत्वा जो तंजीम है उनकी कोई उन्होंने कोई गलतियां नहीं की होंगी या ऐसा नहीं किया होंगे, लेकिन आईएसआईएस एक ऐसी तंजीम है कि शायद उसका कंपेरिजन, मेरा जाती ख्याल है ये कि शायद उसका कंपेरिजन किसी से नहीं हो सकता, जो उनकी हमने वीडियोज और सारी चीजें आपने भी देखी होंगी हमने भी देखी है, कि उसका कंपैरिजन करना इस तरह के जमात से। जी सी, इफ यू आस्क मी फॉर माय व्यू, एनी काइंड ऑफ टेररिज्म इज अ टेररिज्म, एंड इट डजंट मैटर वो हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है, ओके। बट द पॉइंट इज कि यस, देयर इज नो कंपैरिजन। हिंदुत्व इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। व्हाट माय कश्मीरीज नीड टू अंडरस्टैंड is that Hindus are different from Hindutva. Hinduism is different from Hindutva. Or Hindutva is a word that was, ये क्या बोलते हैं, ये politically एक engraved किया हुआ word है। मैं ये नहीं बोलती कि there are no Hindutva agents, there are. For example, you know, वो agents जो Muslims के खिलाफ slogans बोलते, sloganeering करते हैं, या you know, colleges में कश्मीरी मुसलमानों को बच्चों को पकड़ के मारते हैं, yes, these are Hindutva agents, but Hindutva is not the same as Hinduism. And Kashmiris must not make the mistake of thinking ke sare jo Hindu hain wo Hindutva agents hain. Jis tarah Hindus must not make the mistake of thinking ke sare jo Musalman hain wo sare stone pelters hain Kashmir ke, ya sare jo Musalman hain wo desh ke gaddar hain. They can't think like that about Muslims. So similarly, jo Muslims hain, they must not think like that about Hindus. के सारे जो है वो हिंदुत्व एजेंट्स हैं। दैट बीइंग सेड, जो हिंदुत्व एजेंट्स हैं वो यू नो उनकी एक तरीके की टेररिज्म है जो वो करते हैं, जैसे यू नो दे कैच यूथ एंड दे स्टार्ट सेइंग कि जय श्री राम बोलो, जबरदस्ती बुलवाते हैं। डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू दोज मुस्लिम्स हु स्माइल एंड से चलो जय श्री राम, कोई बात नहीं, चलो खुश रहो, बिकॉज उनको पता है कि जय श्री राम बोलने से कोई एक मुसलमान का हमारा ईमान कोई कम तो नहीं होगा, हम कम मुसलमान तो नहीं बन जाएंगे जय श्री राम बोलने से, मगर चलो ठीक है, हमारे हिंदू भाई बहन खुश हो जाते हैं इससे, हमारे हिंदू हमसाए पड़ोसी खुश हो जाते हैं, चलो हम बोल देंगे कोई बात नहीं, इनको भी हम बोलेंगे ईद पे दावत पे आओ हमारे यहाँ, तो इसी को कहते हैं ना भाईचारा। हैट्स ऑफ टू दोज मुस्लिम्स जो इसको इशू नहीं बनाते और इसको एक राइट नहीं बनने देते, राइट का मुद्दा नहीं बनने देते, राइट का मुद्दा। लेकिन ये करना भी गलत है, ये तो खुद हिंदूज भी बोलते हैं। मेरे टाइमलाइन पे जब मैंने एक बार पोस्ट किया था ट्विटर पे कि हैट्स ऑफ टू दिस मुस्लिम अंकल कि ही डिड नॉट मेक इट, ये इन्होंने इस चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने नहीं दिया। कुछ बच्चे आए चैंट जय श्री राम उनको बोलने लगे, उन्होंने कहा चलो जय श्री राम खुश रहो जाओ, तो मैंने उस अंकल को प्रेज किया। बहुत सारे मेरे हिंदू फॉलोअर्स आके बोल रहे हैं प्रेज कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन जो उन बच्चों ने किया उनके साथ ये ठीक नहीं था, विच मीन्स कि सारे हिंदूज जो हैं वो हिंदुत्व एजेंट्स नहीं है। सो दिस इज व्हाट मुस्लिम्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज आज आपकी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हिंदुइज्म को प्रिजर्व करना चाहती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसी गवर्नमेंट है जो इस्लाम के खिलाफ करना कुछ करना चाहती है। नो, अगर वो किसी के भी, ये ऐसी गवर्नमेंट है, मैं खुल के बोलती हूँ, ये ऐसी गवर्नमेंट है, अगर वो किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे वो बस इसलिए करेंगे क्योंकि शायद उस इंसान या उस तंजीम की वजह से हिंदुइज्म पे खतरा है, मगर अगर उस तंजीम या उस इंसान की वजह से हिंदुइज्म पे कोई खतरा नहीं है तो उनका प्रोटेक्शन मोड इज ऑफ एंड दे आर द सेम। योगी आदित्यनाथ जी हर किसी की, योगी आदित्यनाथ जी हर किसी के सीएम है हिंदू हो या मुस्लिम, पीएम मोदी जी हर किसी के पीएम है हिंदू हो या मुस्लिम,
हाँ, लेकिन आरएसएस की एक बात जरूर है कि वो हिंदुइज्म को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, सो दे विल बी अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच इज अ डेंजर टू हिंदुइज्म, एंड आई डोंट थिंक दैट मुस्लिम शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. फॉर एग्जांपल लव जिहाद, वो तो इस्लाम में भी बैंड है. किसी को बेवकूफ बना के, किसी लड़की को बेवकूफ बना के ये बोलना कि मैं हिंदू हूँ, बाद में बताना कि मैं मुस्लिम हूँ, अब तुम्हें भी कन्वर्ट करना, ये हमारे यहाँ ये कौन सी परमिटेड चीज है इस्लाम में? तो जब वो लव जिहाद के खिलाफ अगर कोई रूल बना रहे, मुझे नहीं लगता मुस्लिम्स को इससे कोई नाराजगी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये तो इस्लाम में भी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो अब जब बात आती है ट्रिपल तलाक की, जब हम बोलते हैं कि वी आर अ कंट्री दैट एम्पावर्स वुमेन, तो अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने ट्रिपल तलाक का ऐलान किया. नाउ द पॉइंट इज ट्रिपल तलाक, नाउ द पॉइंट इज कैन यू से दैट ये कोई हिंदुत्व का काम है, ये कोई टेररिज्म वाला काम है? अगर आप औरतों को अगर एम्पावर कर रहे हैं ट्रिपल तलाक हटा के, तो आप किस तरह से, हाउ कैन यू इक्वेट दिस विद हिंदुत्व टेररिज्म? तो ये एक चीज है जो मुसलमानों को समझनी चाहिए कि हिंदुइज्म और हिंदुत्वाइज्म को अलग रखना है और इस पे अच्छी यार एक चीज मुझे मतलब आपकी बात आपसे बात होती रहती है मुख्तलिफ शोज में, मेरे चैनल पे हो या बाकी जगहों पे, मैं आपको देखता हूँ, आपका अपना चैनल भी है, लेकिन ये खतरे वाली बात आपने की और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हिंदू धर्म के लोग समझते हैं कि शायद मुसलमानों से हमें खतरा है. पाकिस्तान के अंदर 97% मुसलमान है और वो कहते हैं कि हमें शायद बेचारे 2% हिंदू है वहां पे. तो खैर हिंदुस्तान में मुसलमान गालिबन 20-22% है, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी नहीं है वहां पर, कम अज कम मेजोरिटी में मैं कहूंगा, क्योंकि 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान से बड़ी पॉपुलेशन वहां रहती है, तो माइनॉरिटी तो नहीं है बाहर. लेकिन खतरे वाली बात ये कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर क्या बनना है, 2 साल हो गए, लोगों की ईमानों को भी खतरा है, कोई कहता है इस्लाम को खतरा है, कोई क्या, ये ऐसी मोम की गुड़िया है ये मजाहिब की, मतलब लोगों को इतने खतरे महसूस होते हैं? जो लोग, देखो वही तो बात है, जो लोग इनसिक्योर है, सी वकर साहब, इवन इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ओके, हु इज द कल्प्रिट, द वन हु इज कांस्टेंटली गेटिंग इनसिक्योर या द वन हु इज लिविंग लाइफ नॉर्मली, हु इज द कल्प्रिट? अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है, यूजुअली वो काउंसिलिंग में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट कौन से स्पाउस को पकड़ता है? वो जो बार बार इनसिक्योर हो के चीजों को खराब करता है, हर बार रेजिस्टेंस दिखाता है, हर बार कॉन्फ्रंटेशन करता है हर चीज के लिए इनसिक्योर होके, या वो जो एक नॉर्मल जिंदगी चाहता है कि यू नो एक हार्मनी, एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस चाहता है और खुशहाली में जीना चाहता है, और कुछ ऐसे रूल्स बनाता है घर में फॉलो करने के लिए जिससे दोनों खुश रहें, जिससे दोनों को कोई यू नो वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए. ऐतराज जब हम तब करने लगे सिर्फ अज्यूम करके कि ओ दिस मींस इट्स अ डेंजर टू आवर कम्युनिटी, दिस मींस इट्स अ डेंजर टू आवर रिलीजन, जब हम अज्यूम करके जब हम रिएक्ट करते हैं और उस वजह से अपने देश में हालात खराब करते हैं, रायट्स करते हैं, रोड्स को ब्लॉकिंग करते हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने लगते हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं, ब्लास्फेमस चीजें करते हैं उनको हर्ट करने के लिए या खुद, ऐसी चीजें, दिस शुड ऑल स्टॉप, क्योंकि जो चीज सिर्फ अज्यूम करके रिएक्शन जो देना है वो एक तरह की बीमारी होती है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं. बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है, और मैं भी अक्सर यहाँ लोगों से कहता हूँ कि यार आप क्यों, अगर आप आपके दिल में है ना, वैसे भी कहते हैं कि हर इंसान के दिल में खुदा होता है, किसी के मतलब भगवान होता है, दोनों का मेरे ख्याल में एक तरीके से जो वर्शिप का तरीका शायद मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो एक डेस्टिनेशन है वो सबकी सेम मुझे लगती है. लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेट, खुदा ने सबका रंग, खून का रंग लाल ही रखा है, जब उन्होंने किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया, यस सिर्फ आप कह सकते हैं फेशियल फीचर्स का डिफरेंस है, क्योंकि जो ईस्ट में पैदा हुए, क्योंकि वहां सन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उनकी आंखें ऐसी होती हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो सन से, और जो बहुत ही गर्मी वाले जोन में रहते हैं अफ्रीका में, उनका स्किन काला है, क्योंकि वो सन बर्न से काला ही हो जाता है, वो जेनेटिकली ऐसा है, तो दैट्स द ओनली थिंग. मगर अंदर जो खून है उसमें तो कोई फर्क नहीं है, जो साफ माहौल में रहते हैं उनका स्किन सफेद होता है, क्योंकि वो जो एनवायरमेंट होता है टेम्परेट का मौसम जैसा होता है, उसमें डर्ट एंड ग्राइम डज नॉट गेट इनटू योर स्किन एंड हेयर. तो बोलने का मतलब है कि वो एनवायरमेंट के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से स्किन अलग होगा, लोगों के फीचर्स अलग होंगे, लेकिन कलर, खून का कलर तो सबका एक ही है, विच मीन्स कि खुदा जो है वो हमारे अंदर बसता है, खून भी हमारे अंदर होता है, तो जब खून का रंग एक है तो खुदा भी तो एक ही है. आप किसी को हेट करना जस्ट बिकॉज, या इवन ये सोचना
कि वो मुझे हेट करता है क्योंकि मैं उसकी कम्युनिटी का नहीं हूँ. ये सब बकवास जो बातें हैं ना, और इस वजह से फायदा कौन उठाता है? पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं, स्पेशली द करप्ट पॉलिटिशियंस. और जैसे एक कंट्री चल रही है उसको चलने नहीं देते, बार बार बीच में पॉलिटिकल पॉलिसीज में बीच में दखल अंदाजी करना. एक पॉलिसी हमारे यहाँ बनती नहीं कि 10 लोग आ जाते उसको गिराने के लिए. ये सब बंद होना चाहिए एंड वी मस्ट थिंक इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव. एक ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कि मोदी जी जानबूझ के ये कर रहे हैं या फलाना पॉलिटिशियन जानबूझ के. ये जो हमारे लीडर्स हैं वो मेजोरिटी में चुन के आए, हमें फेथ तो रखना चाहिए अपने लोगों पे जिन्होंने उनको वोट दिए है. वी कांट जस्ट गो अराउंड अज्यूमिंग कि एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. बिल्कुल ये गलत है. या ना एक चीज और है कि हम एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी नहीं करते. बेशक मतलब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हो सकती है या हमने उसके अंदर कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन की होती है कि दुनिया जब उसको मतलब वो करती है, पॉइंट आउट करती है, तो हमें गुस्सा आता है. हम कहते हैं भाई क्यों आपने ये ऐसा किया. एक होता है कि वैसे ही आपने किसी को गंदा करना. मैं कहूँ अच्छा हिंदू रिलीजन के लोग ऐसा करते हैं, मतलब मैंने करना है बस. मैंने ये दिल में जिसे कहते हैं कि कहा हुआ है कि भाई मैंने इनको मतलब करना है, गंदा करना है या इनको बुरा भला कहना है, ये वाली चीज. इसी तरीके से किसी भी रिलीजन को हम क्रिटिसिज्म को भी, एक जनरल क्रिटिसिज्म को. एक तो होती है कि वैसे ही मतलब मैं कहूँ अच्छा जी फला अगर ओसामा बिन लादन मुसलमान था तो सारे मुसलमान ऐसे हैं, स्टीरियोटाइपिंग, मतलब ये चीज. लेकिन अगर कोई मेरे अंदर कोई गलती है और मुझे कोई मतलब उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है कि यार आपने ये किया, तो मेरे ख्याल में मेरे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि मैं कहूँ हाँ यार वाकई ये तो मैंने नहीं पॉइंट आउट किए चीज नहीं की थी, लेकिन किसी और ने कर दी तो मुझे इसको सही करना है. हम ये चीज इससे भागते हैं. वजह क्या है कि हम यहाँ पे भी हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि एक मंदिर से ईमानों को और पता नहीं किस किस चीजों को खतरा होता है, इसी तरीके से वहां पे भी इस तरीके से लोग एतराज अगर उसके ऊपर किया जाए तो वो फिर कहते हैं नहीं जी आपने तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई आपने तनकीद कर दी. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई जस्ट फील के बेहतर यही रहेगा कि हम जो हैं अपना रिलीजन अपने पास रखें, अपने दिल में रखें, अपने घर में रखें. वी शुड नॉट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट टू यू नो जिससे पॉलिटिक्स चले देश की, या जिससे सोशल मीडिया, या जिससे टीवी डिबेट्स पे टीआरपी. इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड यार. और किसी की मंदिर बना देने से मेरा और मेरे अल्लाह के बीच का रिश्ता कैसे खराब होगा, मुझे समझ नहीं आता. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू नो. एंड यस, देयर वाज वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू से अबाउट दिस, बट आपका क्वेश्चन इतना लंबा चला गया कि मैं आंसर भूल गई. ठीक है, आगे पूछिए, मैं मुझे शायद याद आ जाएगा. मैंने कहा कि हम लोग एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त नहीं करते. अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो फिर लोग ये मतलब अगर मुझे कोई बता दे तो मुझे बजाय इसके कि मैं उसको ठीक करूं, मैं कहता हूं नहीं अभी याना ने या कर दिया एक्स वाई जेड किसी के भी करते. सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं वो हर किसी में नहीं होता. मोस्टली इंसान ऐसे ही होते हैं दैट दे लाइक टू ब्लेम अदर्स फॉर द सिचुएशन दैट दे आर इन. अब ये चीज इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, इट्स एक्चुअली नॉट एन इशू. वही मैं कह रही हूँ आपको, इट इज नॉट एन इशू अबाउट रिलीजन, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू. आप सोचिए अबू लहाब की बीवी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी, उनको बुरा भला कहती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया. ही जस्ट लेट हर बी. इनफैक्ट जब वो कचरा फेंकना बंद हो गया उनके रास्ते में, तो वो इंक्वायर करने लगे वो लेडी ठीक तो है कि नहीं, मैं गाँव में जाके देखूंगा वो ठीक है कि नहीं. ये थे हमारे जो हमारे हीरो हैं, ही वॉज लाइक दिस. तो ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जो ब्लास्फेमी के नाम पे कोर्ट में लोगों को शूट करते हैं, लोगों के घर जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, यू नो एसिड फेंकते हैं किसी पे, या दे इवन से ऐसे तकरीरें करते हैं कि इसका सर कलाम कर दिया जाए, इसने ऐसी बात की, हेट स्पीचेस, पेरिस में जाके पीछे से किसी को मार दिया. देखिए जो वो एक ऐसे लोगों को अल्लाह पे यकीन नहीं है. देखिए अगर किसी ने अल्लाह के प्यारे रसूल की इंसल्ट की, वो अल्लाह उसका बदला जरूर लेगा, खुद लेगा. आपको लगता है कि अल्लाह बदला नहीं लेगा, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाके उसको पीछे से मारते हो, छुरी झोंका पीछे से, ना यू स्टैब दैट पर्सन बिकॉज यू फील दैट अल्लाह इज नॉट गुड इनफ टू टेक रिवेंज. जो अल्लाह का काम है वो आप करने निकले हो. सेम विद हिंदूस, जो यमराज का काम है वो आप क्यों करने निकले हो, है ना. जो ये करते हैं जिन्होंने तबरेज अंसारी को लिंच किया, क्यों किया? अगर आपको लगता भी उसने कुछ गलत किया, आपको राम जी पे भरोसा नहीं है कि वो उसको सही रास्ता दिखाएंगे? राइट. क्यों हर व्हाई डज इट हैव टू कम डाउन टू किलिंग? वो चीज मुझे समझ नहीं आती लोगों की.
बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेस किया याना, बिल्कुल सही है, आई 100% एग्री विद यू। अब बात करेंगे हैदरपुरा वाकया, अभी तो खैर उसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन से ज्यादा हो गए। क्या असल स्टोरी क्या थी? एक बच्ची की वीडियो हमारे यहाँ काफी चल रही है, गालिबन वहां पे भी चल रही होगी, छोटी शायद 14-15 साल की बच्ची है, जिस गालिबन अल्ताफ हुसैन भट्ट साहब की बेटी है जो वो बता रही है। तो मैं आप तो शो से थोड़ा सा पहले भी मैं उनकी वीडियो देख रहा था उस बच्ची की, क्या असल स्टोरी थी क्या और कहाँ पे मतलब गलती कहाँ पे हुई? मुझे रिक्स एक्चुअली ना इस चीज से मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कश्मीर में हमेशा से ही था, मगर जब कोई ऐसा इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मर जाते, कोई ऐसा इनोसेंट जिसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया, जो अपने आप को दिल से इंडियन कहता था, कोई ऐसा बंदा जो अपनी बेटियों को चाहता था कि वो IPS ज्वाइन करे, जब ऐसे लोगों की मौत होती है तो इट इज मैं जाऊंगी और श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में उस लेडी को ज्वाइन करूंगी, मतलब सिरकुल की जो वाइफ है, when she was protesting for the body. लेकिन something I don't know, it was just too emotional. I could not bear that, you know, जैसे उसकी बच्ची रो रही थी, जैसे उसकी बेटे की जो फोटो मैं देख नहीं पा रही थी। Reason being के what we all need to understand is जो 3 लोग वहां मरे वो इंडियंस थे, ओके? कश्मीर में भी इंडियंस रहते हैं, मैं कश्मीर में रहती हूँ and I am an Indian first, और वो 3 भी ऐसी थे। I want to ask from your channel के मेरे जो भी whoever जो who follow me, I will not use the word fans, but those who are kind enough to hear me and who enjoy what I say and who agree with what I say, kal agar main mari gayi aise kisi fake, I will not say fake encounter but failed intelligence, jo failed intelligence mili thi, jo failed input shayad mili hogi unko, jis wajah se shayad unhone aisa kadam uthaya, warna wo kyun pro kisi pro indian ko maarte? To agar ye mere sath hota to kya aap log tab bhi chup baithte aur kya aap log believe karte ki ha shayad yana bhi terrorist thi? Will you ever believe ke Yana is a terrorist? I want to ask. So why, just because these 3 people were not on social media or coming on news channels and saying how Indian they are. Lekin mare to aapke bhai hi hai na. Aap kyun nahi awaaz uthate inke liye? Aap kyun nahi inki insaaf ke liye awaaz uthate? I want to ask my viewers. Because ye jo hua galat hua. And I feel ke jis bhi officers ne, jis bhi wahan pe jo bhi operations mein shamil the, मैं नहीं कहूंगी कि उनकी वजह से पूरी सिक्योरिटी फोर्स को बदनाम होना चाहिए, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, मगर जिन्होंने ये गलत इंटेल दी और जिन्होंने इस गलत इंटेल पे ये कदम उठाया और इस तरह का एनकाउंटर किया, उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए एंड इट शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल, ताकि आगे से ये ना हो, आगे से और फैमिलीज बर्बाद नहीं हो। फकर साहब आप सोच सकते हैं एक बाप के बगैर कैसी लाइफ होती होगी, और उनकी अच्छी इतनी खूबसूरत फैमिली माशाल्लाह बर्बाद हो गई। वो आमिर मगरे उसके बाप ने पत्थर मार मार के टेररिस्ट को भगाया था। हाँ, ऐसे नेशनलिस्ट के बेटे के साथ ये हालत की उसकी बॉडी भी आज वापस, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कोई अवार्ड भी दिया था, या ना उनके फादर को गालिबन कोई अवार्ड भी मिला था उस चीज के ऊपर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जिस दिन yes. इंडिया में इतनी ताकत है, इंडियंस में इतनी ताकत है, आज अगर दाबिनी निर्भया, क्या मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, उसके कल्प्रिट्स को आज अगर पनिशमेंट मिली, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंडियंस। ऐसा कोई शहर नहीं था जहां वो कैंडल लेके निकल नहीं पड़े कि दामिनी निर्भया को इंसाफ दिलाओ। आई वांट कि माय इंडियंस शुड स्टैंड अप फॉर दीस 3 फैमिलीज कि ये गलत हुआ है, और जिस ऑफिसर ने ये गलत किया है उसको उसके साथ और इन फैमिलीज के साथ इंसाफ होना चाहिए, एंड स्टॉप ट्राइंग टू हाइड इट एंड कॉल इट कॉल इट अ टेररिस्ट व्हाटएवर एनकाउंटर। इट वाजंट, वहां पे सिविलियंस थे और ये अच्छे लोग थे, ये हमारे अपने लोग थे, ये हिंदुस्तानी थे, जैसे मैं हूं वैसे ये थे। आई थिंक एक्शन हैज टू बी टेकन। अच्छा याना, एक चीज और है, ये मतलब इससे पहले भी इस किस्म के इनकाउंटर्स हुए हैं, फेक इनकाउंटर जिसको कहते हैं हम लोग। मेरे यहाँ कल परसों मंजूर पश्तीन साहब एक जगह पे स्पीच कर रहे थे आजमा शांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में, तो उन्होंने खड़कमर वाकये का जिक्र किया जिसमें 16 लोगों की जाने गई थी, लेकिन शायद कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको रिपोर्ट किया था, बाकी किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया था। वो यही कह रहा था कि यार आप क्यों इंसान को इंसान की तरह नहीं लेते,
मतलब मैं कहूं कि अच्छा ये तो अगर ये हिंदुस्तान का है तो ये तो इंसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, या अगर मैं मेरे से इसके ख्यालात नहीं मिलते तो फिर तो ये इंसान नहीं हुआ। क्यों हम इस तरह की थिंकिंग हमारी क्यों है, और क्या इससे पहले जो इनकाउंटर्स, फेक इनकाउंटर्स इससे पहले भी हुए होंगे कश्मीर के अंदर? बल्कि इंडिया की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि गालिबन पिछले 10 सालों में 1888 लोग जो है मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में मारे गए हैं, लेकिन उसके ऊपर शायद सजा कुछ ही लोगों को हुई है, शायद गिने चुने। तो इससे पहले किसी को सजा हुई है वहां पर? जहां तक मुझे पता है हियरिंग्स हुई हैं, कार्रवाई हुई है, सजा का मुझे पता नहीं है, आई डोंट थिंक हुई है, एंड बट नाउ आई एम सेइंग कि होनी चाहिए। जो हैदरपुरा इनकाउंटर हुआ है उस वजह से आज मुझे शर्म आती है अपने लोगों के बीच जाके ये बोलने के लिए कि इंडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि वो मुझे पलट के यही कहेंगे इंडिया को सपोर्ट करने वालों के साथ ये होता है, कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। सो फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम इस पिछले का मुझे नहीं पता, मगर इस वारदात के लिए देयर शुड बी अ पनिशमेंट एंड इट शुड स्टैंड एज एन एग्जांपल। राइट। अच्छा याना, महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी गालिबन हाउस प्रेजेंट में थी, अब पता नहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि जो कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल कि उनका ख़त्म हुआ हो। ट्विटर पे भी वो है, वो सीएम भी रह चुकी हैं, अब्दुल्ला फैमिली है, वो लोग भी गालिबन, उनकी भी मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी कि वो उस गालिबन जो सेटिंग थी उनकी प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, तो उसमें भी वो बैठे थे। क्या मतलब अब लोग दोबारा से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो ये वाली बात की, क्योंकि जो कश्मीर के कुछ लोग, मतलब शायद बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, मतलब वो ये कहते हैं कि इंडिया नवाज बंदी, इंडिया नवाज बंदी इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक जो इंसानियत की तरफ है, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, जो भी इंसानियत की तरफ है उसको ये सोचना चाहिए कि बिंद्रू साहब जिनका एनकाउंटर किया गया था वो भी आपके भाई भी कश्मीरी थे, ठीक है ना, और वो फ्री में गरीब कश्मीरियों को दवाइयां बांटते थे, वो ऐसे इंसान थे, बट जस्ट बिकॉज वो हिंदू है तो क्या है कि तभी कोई आउटरेज नहीं, तभी महबूबा मुफ्ती ने कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाला और तभी अब्दुल्ला साहब ने कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाला। तो बोलने का ये मतलब है कि प्लीज उन पॉलिटिशियन से दूर रहिए जो आपको आपके भाइयों के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाहते हैं, आपको आपके भाइयों से बांटते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी कोई तंजीम हो या अपनी खुद की कोई पॉलिटिशियंस हो। प्लीज ऐसे पॉलिटिशियंस को ना वोट दीजिए ना उनको फॉलो कीजिए जो आपको आपके भाइयों के साथ बांटते हैं। और रहा सवाल इंडिया पसंद तंजीम, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, कोई भी हो, इंडिया पसंद तंजीम का मतलब क्या है? आपको पाकिस्तान पसंद तंजीम पसंद है, आप पाकिस्तान पसंद तंजीम की तरफ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये सारे कश्मीरियों को सुनने वाली बात है। एक कोई ट्विटर स्पेस चल रहा था जिसपे आई थिंक मेरी फैमिली से कोई लोग वर पार्ट ऑफ दैट ट्विटर स्पेस, उन्होंने सुना और वो मुझे बता रहे थे कि उसमें क्या चल रहा है। तो कुछ यंग लड़के बहुत ज्यादा जो इमोशनल हो गए हैदरपुरा इनकाउंटर को लेके, उनको लगा कि हम पाकिस्तान के पास जाएंगे हेल्प के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी फेथ है कि इंडियन गवर्नेंस कुछ करेगी, कुछ तो इंसाफ होगा। मगर ये चले गए वहां पे, और वहां पे उनसे बोला जा रहा था कि आज के बाद आप लोग कश्मीरी बोलना बंद करो। तो मैं कह रही थी कि एक जो हमारे भाई हैं आसिफ डार साहब, जिनको यहाँ पे टेररिस्ट सपोर्टर बोला जाता है, लेकिन असल में बात तो ये है कि उनके साथ भी कुछ, उनकी फैमिली के साथ भी कोई नाइंसाफी हुई थी, जिसकी वजह से ही बिकेम कंप्लीटली अगेंस्ट इंडिया। And that day I was very happy to know कि ये आसिफ डार साहब हमारे भाई जो हर बार पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि कश्मीरी सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया से अलग हो जाए। फाइनली ही गॉट अप इन दैट ट्विटर स्पेस एंड ही सेड कि एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारा कल्चर कश्मीरी है, उन्होंने उस बंदे को बोला, हमारा कल्चर कश्मीरी है और हम कश्मीरी ही रहेंगे और हम कश्मीरी ड्रामे ही देखेंगे और ना हम कश्मीरी बोलना बंद करेंगे। आपके साथ हमारा मजहब का रिश्ता है, इसका ये मतलब नहीं कि यू क्रॉस द लिमिट्स। नाउ आसिफ डार था खड़े होके बोलने के लिए तो ठीक है, कल अगर आप लोग जाके पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे, हर जगह आसिफ डार नहीं आएगा आपको और आपके कल्चर को और आपकी औरतों की अजमत को बचाने के लिए। ये चीज कश्मीरियों को याद रखनी चाहिए। अच्छा यार, एक चीज और, मतलब मैंने, ये इंडियन गवर्नमेंट है जो हर एक
कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में उनका अपना जो कल्चरल फ्लेवर है उसको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करती है, ये हमेशा याद रखना। राइट अच्छा यार एक चीज और भी थी कि मतलब जिन लोगों की वहां पे इनकाउंटर में जिनकी जाने गई उनकी लाशें नहीं दी जा रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से गालबन मुजाकरात हुए और वो दी गई, क्या वजह है कि एक सुना है कि एक अलग कब्रिस्तान भी बनाया गया है कि जो लोग लड़ रहे हैं कश्मीर के मतलब आपकी फोर्सेस के खिलाफ इंडियन फौज के खिलाफ तो उनका एक अलग से कब्रिस्तान है, लेकिन ये वाले लोग इनको क्यों नहीं दिया जा रहा था कि जिनकी एक तदफीन का एक सिलसिला, डेथ तो उनकी हो गई, वो बेचारे तो जान से चले गए, लेकिन फिर ये वाली चीज क्यों की जाती है कि लाश नहीं देंगे या उसके लिए फिर आप मतलब इतना इंतजार करवाते, वजह क्या होती है इसके पीछे कि क्या लोग इकट्ठे हो जाएंगे? मुझे लगता है शायद ये कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हो सकता है, मुझे लगता है कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे ये भी, बिकॉज एक्चुअली ये पूरा ना मिलिटेंसी, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक बिजनेस बन चुका है। और मुझे याद है कि जब भी ये इस तरह की जब पहले जब मिलिटेंट्स की मौतें होती थी और उनकी बॉडी वापस दी जाती थी, इवन जिन लोगों को नहीं आना था इसमें फ्यूनरल पे, उनको घरों से घसीट के लेके जाया जाता था कि बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो लिटरली दे यूज्ड टू कलेक्ट अ फ्यूनरल। और अगर आप देखोगे उन फ्यूनरल्स पे, अब जिस तरह हमारे पुलिस वालों के फ्यूनरल्स होते हैं उसमें यू कैन सी एवरीबॉडी क्राइंग एंड फीलिंग बैड, लेकिन जो मिलिटेंट्स की फ्यूनरल्स होते थे उसमें आधे ज्यादा लोग सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे होते, वीडियोग्राफी कर रहे होते, यू नो, तो उनको जबरदस्ती घरों से बाहर निकाला गया जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट फ्यूनरल। एंड इस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के फिर उसको दिखाया जाता है, देखो इनको कितनी वो थी, क्या कहते हैं इसको, इनको कितनी इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, इनको कितनी सपोर्ट मिल रही है, ये पूरा एक, फिर इसको पूरा एक डिफरेंट एंगल दिया जाता था, फिर ग्लोबली इंडिया की इमेज को खराब किया जाता था। तो इस सब चीजों को स्टॉप करने के लिए देयर वाज एंड ये चीज देखिए, ये अभी जब ओसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने तो उन्होंने कौन सी बॉडी दी अफगानियों को, उन्होंने तो जाके कहीं समंदर में फेंक दी बॉडी, समंदर में फेंक दी, बिल्कुल वही तो बात है। तो जो लेकिन यार एक चीज और है, मैं मेरा शायद आपसे इससे मुख्तलिफ होगा, मेरे एक एज ए ह्यूमन मैं बात कर रहा हूँ, टेररिस्ट है वो किसी के लिए भी टेररिस्ट होगा, हमारे पाकिस्तान में डॉन अखबार इनको टेररिस्ट लिखता है आज भी, कश्मीर में जो लड़ने वाले लोग हैं आप शायद पढ़ती होंगी, उन्होंने उनको मतलब वो नहीं लिखते, मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी कि मतलब मैंने कहा यार पाकिस्तानी अखबार जो है वो लिखता है और आज भी लिखता है, बट द थिंग इज कि अगर किसी मतलब मैं कहता हूँ किसी बलोच की जान चली गई, जो बलोच लिबरेशन आर्मी से उसका ताल्लुक था या TTP का कोई बंदा था, लेकिन उसकी फैमिली तो है, ये तो उनका एक बेसिक राइट है मेरे ख्याल से कि आप उनको दे, मैं कहता हूँ कि क्यों कर, इवन उसामा बिन लादेन की लाश को आपने मार दिया, दैट्स इट, आपकी उसके साथ चल रही थी ना, उसके बाद मरने के बाद उठ के नहीं वो आ जाएगा आपके खिलाफ, ये वाली चीज क्यों मतलब हम लोग करते हैं कि हम कहते हैं कि हम इसको जरा किसी तरीके से, हमारे यहाँ अकबर बुगटी साहब के साथ किया गया, अकबर बुगटी साहब के साथ किया गया जो एक बड़ी गंदी एग्जांपल है मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री की, मुझे लगता है इट इज बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ये शुरू भी कब हुआ, कोविड के टाइम, ये जो सिलसिला शुरू हुआ कोविड के वक्त, तो मुझे लगता है फर्स्ट थिंग इट इज अबाउट कोविड, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट अननेसेसरी, ये जैसे मैंने कहा लोगों को घसीट के उनको निकाला जाता है, ये वो, ये कोविड की वजह से। हाँ अगर वही चीज आप पुलिस वालों की बात करें तो बिकॉज दे आर नेशनल हीरोज तो उनके लिए उस तरह की इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल कि उनको उस तरह की फ्यूनरल मिलती है बिकॉज दे आर नेशनल हीरोज, मगर जो आम इंसान है उनके लिए भी, अगर आप और मैं भी खुदा ना खास्ता में कुछ हो गया, यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ बिग फ्यूनरल गैदरिंग अराउंड अस बिकॉज कोविड टाइम्स आर गोइंग ऑन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा एक और चीज मतलब इससे खैर ताल्लुक नहीं है, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो खत्म भी हो गया, अभी भी आज DW की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि वो लोग अभी बैठे हुए, शायद 29 को जब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उसमें गालिबन ये बिल रिवर्स हो जाएगा। उससे रिलेटेड असदुद्दीन अवैसी साहब का स्टेटमेंट आया था कि 370 और 35A को भी रिवर्स किया जाए, लाइक द फॉर्मर्स बिल जिस तरीके से आप लोगों ने वापस किए, तो क्या कश्मीरी आवाम की भी इसके मतलब पीछे आवाज है असदुद्दीन अवैसी साहब जो इस तरह की बात कर रहे हैं मतलब दिल्ली में बैठकर? हमारी कंट्री का यही प्रॉब्लम है ना, अनलाइक अमेरिका उनके पास देखो सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस एंड रिपब्लिकन, हमारे यहाँ एक ओवैसी साहब की पार्टी है, एक महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, एक अब्दुल्ला की पार्टी है, एक इसकी पार्टी, एक उसकी पार्टी है, ठीक है ना, तो मिरवाइज साहब की भी तो पार्टी है, तो बी को प्रॉब्लम होगी, आप बी करोगे तो जेड को प्रॉब्लम होगी, आप एन करोगे तो जे को प्रॉब्लम होगी, तो ये तो चलता ही रहेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई निदान हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन कि वी शुड नॉट हैव सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज देश ठीक से चल नहीं पाता इस वजह से. दूसरी चीज जो ओवैसी साहब ने कहा वो इट्स कम्प्लीटली बकवास. यू कैन नॉट कंपेयर आर्टिकल 370 विथ फार्मर्स लॉज, फार्म लॉज, क्योंकि फार्म लॉज जो है वो एक फार्मर फ्रेटर्निटी को अफेक्ट करती है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और क्रीड, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेट दे बिलोंग, वो फार्मर्स को अफेक्ट करती है एंड इट इज एन इकोनॉमिकल मुद्दा, ठीक है ना. आर्टिकल 370 जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को अफेक्ट कर रही है, इट्स नॉट अफेक्टिंग लोकल पीपल इन एनी वे. इनफैक्ट लोकल्स के लिए तो इट्स अ प्लस पॉइंट उसको हटना आर्टिकल 370, बिकॉज 118 ऐसे लॉज थे सिटीजन फ्रेंडली लॉज जो कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, रीजन बीइंग के वहां पे आर्टिकल 370 था, उससे फायदा सिर्फ पॉलिटिशियंस को हो रहा था, उससे कोई भी फायदा आवाम को नहीं हो रहा था. तो क्या फर्क पड़ता आर्टिकल 370 रहे या नहीं रहे. अब कुछ चंद पॉलिटिशियंस के लिए जो 4% वोटर टर्नआउट 6% वोटर टर्नआउट पे वोट्स लेके अपने आप को सीएम बोलते थे, अब उन लोगों के लिए आप 370 हटाओगे तो दैट विल बी वेरी बिग मिस्टेक मेरे हिसाब से. फार्म लॉस हटाए ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फ्रेटर्निटी है फार्मर्स का जिनसे वो इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये 370 हटाना इज अ बेवकूफी. अच्छा लास्ट क्वेश्चन है याना, ये राजनाथ सिंह साहब का एक स्टेटमेंट आया था एक दो दिन पहले कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम कोई मतलब और स्ट्राइक करेंगे क्योंकि कश्मीर के अंदर अफगानिस्तान में से जो लोग जैश वगैरह के लड़ रहे थे तो अब फ्री होके वो कश्मीर की तरफ है. तो ऐसी कोई चीज़ आपको नजर आ रही ऑन ग्राउंड कि वहाँ पे कोई आपको मतलब एक डिफरेंट चीज़ नजर आ रही हो इससे पहले जिस तरह थी, अगर साल पहले की हम बात कर ले या 6 माह पहले की बात कर ले, जो वहाँ पे सिचुएशन थी और राइट नाउ की सिचुएशन, क्या कोई फर्क नजर आ रहा है इस वजह से राजनाथ सिंह साहब का यह स्टेटमेंट आया? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें. तो चलिए अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.